में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। महंगाई की मार आम आदमी पर दिन प्रतिदिन महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। 7 साल में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी मुख्य बातें, लगातार दूसरा महीना एलपीजी के दाम में इजाफा हुआ है। इससे पहले 1 जुलाई को दाम में बढ़ोतरी की गई थी। 1 मार्च 2014 को एलपीजी 410.5 रुपए प्रति सिलेंडर था। घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में बुधवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जो दूसरे महीने सीधे वृद्धि है। तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 859 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग हैं वो कैसे घरों में खाना पकाए। लगातार गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं गैस सिलेंडरों के दाम, जिससे आम आदमी पर दिन प्रतिदिन महंगाई की मार देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कोरोना की मार देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अब महंगाई की मार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ लोग रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जहां एक और कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम ठप हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, कई जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से कमल कुमार जुड़ चुके हैं, भोपाल से स्वाति ओगले और रायपुर से रोहित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले भरत से जानना चाहेंगे, भरत लखनऊ में क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड चल रहा था, लोगों की जो नौकरियां चल गई, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ना, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बात करें डीजल पेट्रोल की, और अगर अब बात करें तो सिलेंडर की, कहीं ना कहीं 25 रुपए बढ़ गए सिलेंडर तो। लखनऊ में जो रेट है लगभग 900 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, अब भी 900 रुपए पहुंच सकता है, क्योंकि 897 रुपए के आसपास पहुंचिंग हो चुकी है। आमतौर पर जिस तरीके से मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है, क्योंकि तो चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव है, विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब गैस सिलेंडर के दाम, कहीं ना कहीं जो लोग आप यूज कर सकते हैं, गरीबों को जो सिलेंडर बांटे गए थे, जो गरीबों को चूल्हा दिया गया था, सिलेंडर दिया गया था, अब उन लोग से भी हम लोगों ने जब बात की तो उन्होंने कहा अब भी हम गैस में नहीं लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने को मजबूर है, क्योंकि कीमतें लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है, हम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि रोजगार लोगों का खत्म हो चुका है बहुत से लोगों का, और कहीं ना कहीं महंगाई उनको दौड़ी मार जिले का सामना करना पड़ा लोगों को। जी जी भारत, हमारे साथ कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली में? कमल, आप हमें सुन पा रहे हैं? स्वाति हमारे साथ मौजूद है, स्वाति से जानना चाहेंगे। स्वाति, जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर में इजाफा हो रहा है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से 25 रुपए जो है रेट में बढ़ोतरी हुई है एलपीजी गैस सिलेंडर में, तो जहाँ जो गैस सिलेंडर आपको 815 रुपए का मिल रहा था, आज वो 840 का मिल रहा है। वही आपको बता दूं कि आम जनजीवन की बात करें, पहले ही कोरोना की मार थी, उसमें लॉकडाउन और आ गया, और लॉकडाउन के बाद फिर जिस तरीके से फिर महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दामों के बाद जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, तो सही बता रही हूँ आपको कि इस वक्त आम जन में जो है पूरी तरीके से गुस्से का माहौल है, क्योंकि महंगाई की मार अब जो है आम जनजीवन के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ पर
कई लोगों का ये भी कहना है कि कल की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगह पर जो है महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एलपीजी गैस सिलेंडर को खाली जो गैस सिलेंडर है उनको बहाकर भी उन्होंने जो है अपना गुस्सा जो है प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने लकड़ी पर खाना बनाकर भी एक तरीके से प्रदर्शन करके अपना गुस्सा व्यक्त किया है। जी स्वाति जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि महिलाओं का लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, उनकी क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, उनकी मांगे इस तरीके से है कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, चलिए आप लॉकडाउन के माने और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है जी, तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ी बहुत चेंजेस आना लाजमी है। लेकिन इस तरीके से इतने सारे चेंजेस, क्योंकि वो आम जनजीवन को भी लगा था, उसके बाद बहुत ऐसा वक्त चला जाएगा कवर होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक वक्त बाद जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका बस यही कहना है कि हम घर चलाए कैसे, हमें घर चलाने के लिए एक जो आमदनी जो है हमारी वो सीमित है जी, और उसी सीमित आमदनी में हमें घर चलाना है। लेकिन इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो उसी के चलते ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी हमारे साथ दिल्ली से कमल मौजूद है। कमल, आपको क्या आवाज पहुंच रही है हमारी? कमल, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। रोहित से जाना चाहेंगे। रोहित हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है अब महंगाई, कह सकते हैं कि खाने की थाली अब महंगी हो गई है। रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल सुना, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जैसे खाने की थाली लोगों की महंगी हो चुकी है। आज की बात करें तो आज फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजधानी रायपुर में गैस सिलेंडरों का दाम 850 से भी पार कर चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी 100 के आसपास है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी वासियों में रोज देखा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है। हमने कल राजधानी रायपुर कई महिलाओं से भी बात किया चौक पर, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर इसी तरह के पेट्रोल डीजल के या फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते रहे तो हम लोग पुराने युग में वापस पहुंच जाएंगे, जब जिस वक्त लकड़ियों से खाना बनाया जाता था उस युग में हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, वहां जैसे 200-250 कमाने वाला जो व्यक्ति है वो अगर अपनी 4-5 दिन की कमाई डालेगा तब जाके कहीं उसके घर में गैस सिलेंडर आएगा और महीने भर खाना बनाएगा। इसे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एकदम सरकार के प्रति गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना अमूमन जो सभी चीजें हैं, जब गैस सिलेंडर इतनी महंगे दामों पर मिलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रोज जरूर देखा जाएगा। जी हमारे साथ कमल भी जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और लगातार महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं, एक तरफ जहां लॉकडाउन है और लोगों का जो काम है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, क्या देखने को मिल रहा है वहां पर दिल्ली में? क्या कुछ लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे लोग? कमल, आपसे जानना चाहेंगे। कमल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना म्यूट बटन अनम्यूट कीजिए। जी, जिस तरीके से लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के, तो लोगों में खासी रोष देखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो अभी तक 165 रुपए जो है एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ चुके हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी दोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर घर की रसोई पे पड़ रहा है। पहले ही बता दें कि लॉकडाउन के चलते हुए लोगों के काम धंधे छूट चुके हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं बचा है। अगर उनके पास खाने पीने के भी थोड़ा बंदोबस्त है तो एलपीजी की जो है मांग लगातार जो है लोगों को सहली पड़ रही है, जिसके चलते घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए महिलाओं ने काफी प्रदर्शन कराया है और महिलाएं मजबूर हैं चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ये लोगों के लिए काफी भयावह स्थिति होती जा रही है और लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए जाए। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री का साफ तौर से कहना है ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये जो है सारा पेट्रोलियम लेवल पे जो है रेट बढ़े जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये जो दाम बढ़े एलपीजी पे, ये काफी परेशानी का सब जो है लोगों के लिए बनते जा रहे हैं। जी कमल, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भी एलपीजी के जो सिलेंडर है उनके दाम बढ़ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से महंगाई आ रही है, लोगों पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। कमल जी, बिल्कुल ये दोहरी मार है। जैसे कि हर बार समीक्षा होती थी 1 से 15 तारीख के बीच में, लोगों ने जो है राहत की सांस ली थी,
क्योंकि 1 से 15 तारीख के बीच में जो है एलपीजी के दाम बढ़ाए जाते थे, लेकिन 17 तारीख को एकदम चौंकाने वाला संदेश सामने आया है, जिसमें पता चला कि एलपीजी में 25 रुपए जो है बढ़ चुके हैं। एक तरफ तो देश की जनता वैसे ही लॉकडाउन से नहीं उबर पाई थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार चले गए थे और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और जिस तरीके से लगातार जो है दाम बढ़े थे, पिछले 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को भी 25 रुपए बढ़े थे, अगर फरवरी की बात करें तो उसमें 50 रुपए बढ़े थे, अगर पूरे साल की बात करें तो अभी तक एलपीजी पर 165 रुपए बढ़ चुके, जो कि लोगों की जेब पर डायरेक्ट मार कर रहे हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दिल्ली वासी, जो राजधानी दिल्ली के वासी है, वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है एलपीजी के दाम जो है घटाए जाए। और बता दें, वही कांग्रेस सरकार जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को जो है राहत मिल सके। जी 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 कमल, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पर दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, भरत आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लगातार रसोई गैस कह सकते हैं कि जो खाने की थाली है वो महंगी हो रही है, महिलाएं जो है काफी ज्यादा परेशान है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से अगर जो महंगाई बढ़ती है तो साफ तौर पर महिलाओं को ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि सीधे जो गैस चूल्हे का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सीधे किचन से होता है, और आम आदमी का जो बात करें या महिलाओं की बात करें, कहीं ना कहीं रेट बढ़ने के बाद उनका जो किचन का जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जरूर जाती है। थाली में भी बात करें तो मानता होगा जो 25 रुपए बढ़ना, कहीं ना कहीं महंगाई बेहद ज्यादा कह सकते हैं उसको। अगर यही बात करें, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी केंद्र में, तो कांग्रेस जब सरकार में थी तो गैस सिलेंडर के जब रेट बढ़े थे 10 रुपए या 15 रुपए तक आसपास जब पहुंचे थे, तो जब बीजेपी ने ही सिलेंडर को लेकर केंद्र में प्रदर्शन किया था, तमाम जगह उत्तर प्रदेश का चाहे राज्यों की बात करें, तो बीजेपी ने जब 350 रुपए दाम हो गए थे सिलेंडर के, तब उन्होंने प्रदर्शन करके रेट को कम करने की बात कही थी। लेकिन अगर आज बात करते हैं तो आज जो रेट बढ़ गया है लगभग एक साल में जो रेट बढ़ रहा है, जो लगातार हर साल इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानी तो जरूर बढ़ रही है। लेकिन अब जी 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 भारत बात रोहित आपसे जाना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, वहीं कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि अब उनको गैस सिलेंडर छोड़ करके अब वो जो पुराने जमाने पे जब चूल्हों में काम किया जाता था और कंडे जला करके गैस बना करके खाना पकाया जाता था, तो अब महिलाएं कह रही हैं कि अब गैस सिलेंडर छोड़ करके अब उसी में दोबारा वापस आना पड़ेगा। रोहित जी बिल्कुल, जैसे बताया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो बांटे गए, लेकिन उनकी दामें इस प्रकार से बढ़ा दी गई हैं कि आम आदमी तो कहीं ना कहीं उस गैस सिलेंडर को नहीं खरीद सकता है। तो ये इसी को लेकर महिलाओं का कहना है कि अगर इसी तरह के दाम बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे जो रसोई है उसमें कंडे या लकड़ियों से खाना बनाने पर हम मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम राजधानी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ कई ऐसे निचले स्तर के जिले हैं जहां पे अभी इस तरह से ही खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे अमूमन कृषि करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके पास इतनी बड़ी संख्या में पैसे नहीं होते कि वो गैस सिलेंडर के लिए 1000 रुपए तक का खर्चा करे, तो इसीलिए उन्होंने लकड़ी और कंडे से खाना बनाना शुरू कर दिया है। वही राजधानी के वासियों की महिलाओं की बात करें तो राजधानी की महिलाओं का भी कहना है कि लगातार अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो हमें भी राजधानी में रहकर गैस सिलेंडर के बजाय कंडों या फिर लकड़ियों से खाने बनाने पर हम मजबूर हो जाए और विवश हो जाएंगे। लगातार गुहार लगा रहे हैं, कांग्रेस भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दामों में अभी भी कम होते नजर नहीं आएगा। रोहित, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पर ये दोहरी मार पड़ रही है, गैस सिलेंडर जो है रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि लगातार महंगाई अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, रसोई गैस की कीमत में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार गुहार लगा रही हैं सरकार से कि जो गैस सिलेंडर की कीमत है उसमें कमी दे और जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार उसको कम करें। और यूपी में आज यूपी विधानसभा में आज तीसरा दिन है जहां पर विधान गोविंद कुछ कह रहे हैं। जो प्रचार की बात है मैं देख रहा हूं।